नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2015 के बाद आपको बता दें कि पहली बार एससीओ सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की के बीच सीधी बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने 24 घंटे से भी कम समय में दो बार बात की है। बता दें आपको कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया भी जा रहा है कि इशाक डार ने जिस जयशंकर से थोड़ी बात की, जिसके बाद संकेत मिले हैं कि इन वार्ताओं में दो देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने के साथ ही विचार इस पर किया गया है। और अगले साल पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। पाक क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भारत इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान आए। अभी तक भारत ने इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। पिछले 17 सालों से टीम एक बार फिर किसी सीरीज के लिए पड़ोसी मुल्क ट्रैवल नहीं की है। बता दें आपको कि अब उन्हीं रिश्तों को फिर से दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों और दोनों देशों की राजनीति तय करती है कि भारत ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसी साल मई में जयशंकर ने कहा था कि आतंकवादियों को पूरी तरह से त्याग नहीं देता है और ऐसे में तब तक भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध यानी कि क्रिकेट संबंध भी बहाल नहीं हो सकते। 2007 के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। बता दें आपको कि दोनों जो टीमें हैं सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही आमने सामने होती हैं। इससे पहले सोमवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत बहुलवाद, विविधता और लोकतंत्र का प्रतीक है, जबकि पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद, संकीर्णता और अत्याचार की याद दिलाता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर यूएन के मंच का दुरुपयोग कर रहा है। भारत ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की निरंतर नीति रही है। पाकिस्तान की ओर से कराए गए हमलों से सूची वास्तव में लंबी है। बता दें आपको कि भारत में उसने संसद, बाजारों और तीर्थ मार्गों सहित कई अन्य जगहों पर निशाना उनको बनाया गया। वैसे इस बार की बातचीत को ज्यादा अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दोनों पाकिस्तान और भारत की तरफ इस बार ज्यादा निजी हमले नहीं हुए। तो बता दें आपको कि यूएन में भारत और पाक की को खरी खरी है क्योंकि इस तरह से भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है और जो रिश्ते हैं वो बहाल करने की कोशिशें भी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और बता दें आपको कि 2015 के बाद पहली बार एससीओ सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच मंत्रियों के बीच सीधी बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने 24 घंटे से भी कम समय में दो बार बातचीत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इशाक डार ने जिस तरह जयशंकर से थोड़ी बहुत बातचीत की है, जिससे कि ये संकेत भी मिले हैं इन वार्ताओं में कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने पर विचार किया गया है। अगले साल पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है और पाक क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भारत इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान आए। अभी तक भारत ने इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। पिछले 17 सालों से टीम एक बार भी किसी सीरीज के लिए पड़ोसी मुल्क ट्रैवल नहीं कर पाई है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब उन्हीं रिश्तों को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी सीधे जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विनोद जी आपके साथ करते हैं।
सर इसे किस तरह से देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ये जो बातचीत हुई है, और ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद के मसले पर ही क्योंकि ये बातचीत करना छोड़ा था और ये क्रिकेट जो संबंध है उसके बीच भी कहीं ना कहीं दूरी आ गई थी, अब ऐसे में उसको फिर से सुधारने की कोशिशों में पाकिस्तान लग गया है। इस बातचीत को कैसे देखते हैं आप, और क्या उम्मीद एक जताई जा सकती है कि जो संबंध है फिर से दुरुस्त होंगे? देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे या प्लेटफॉर्म्स पे कभी भी जो कम्युनिकेशंस के या जो डायलॉग या डिस्कशंस के जो दरवाजे हैं वो कभी मुकम्मल तौर से बंद नहीं किए जाते, और एक रे ऑफ होप हमेशा रहती है। और भारत ने हमेशा यही प्रस्ताव रखा है कि भारत की तो अपनी पॉलिसी है कि साहब नेबरहुड फर्स्ट, तो भारत ने हमेशा पाकिस्तान को ये न्योता दिया है कि वो आके बात करे, लेकिन भारत की शर्त यह है कि साहब आतंकवाद और वार्ताएं दोनों एक साथ नहीं हो सकती, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से गुरेज नहीं करेगा भारत कोई इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। और आप खुद ही देखिए किस तरह से पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और क्योंकि आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान ने खुद दहशतगर्दी को इस तरह की तर्जियत दी तो आज सबसे ज्यादा दंश पाकिस्तान झेल रहा है। उधर आप देखिए डूरंड लाइन से ईस्टवर्ड्स टेररिज्म बढ़ती जा रही है, इधर उसके अपने जो आर्मी है वो शिकार बन रही है सबका। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन सब जो हरकतें हैं उन पर अपना वो करे, लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में भी ये बात नहीं रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान भी आप ये देखिए एक मतलब एक वैसल स्टेट बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान की चाबी चीन के पास है और चीन जो ये कहेगा वो उस तरह से बातचीत करेगा या उस तरह से ये आतंकवाद को बढ़ावा देगा। तो भारत को चाहिए कि चीन से भी इस पे बातचीत हो, और पाकिस्तान के साथ हमारा रुख बिल्कुल ठीक है कि जब तक दहशतगर्दी का अंत नहीं होता या जब तक वो कंटेन नहीं होती है तब तक भारत कोई बातचीत नहीं करेगा। ठीक है, संजीव जी, क्या इस बातचीत का क्या मतलब आप निकालते हुए देखते हैं, क्या इसकी क्या इसका महत्व निकाला जाए? देखिए, ये जो भारत के विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई कि एससीओ की जो बैठक है जिसका कि भारत एक जिम्मेदार और अहम सदस्य है, ये बैठक पाकिस्तान में इस बार आयोजित हुई थी। और ये जो यात्रा है इसका भारत और पाकिस्तान के संबंधों से कोई उसका महत्व उस संदर्भ में नहीं है, और पाकिस्तान जाहिर है कि यदि भारत के साथ अपने संबंधों को उसे बेहतर करना है, सामान्य करना है, तो उसको भारत की जो शर्त है वो पूरी करके दिखानी होगी। और भारत की शर्त बहुत ही स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं, अनेक आतंकी वहां पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, कई आतंकी वर्तमान समय में वो इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू की पीर और पंजाल की पहाड़ियों में, पुंछ और राजौरी के जंगलों में छुपे हुए हैं, और जहां कहीं भी जब कभी भी उनको वहां से संकेत मिलते हैं तो ये हमले भी कर रहे हैं, तो और टेरर कैंप्स वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भारत में अनेक जो वांछित आतंकी हैं जो कि भारत में उन्होंने बड़ी आतंकी घटनाएं कर रखी हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान करके नहीं दिखाता है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो साथ है वो छोड़ा नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। और आज भी पाकिस्तान भले से ही वो आतंकवाद के दंश से स्वयं ग्रसित है और जो आतंकवादी है उसके लिए भले से ही भस्मासुर बन गए हों, लेकिन आज भी पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय और सपोर्ट दे रहा है, और उसके खिलाफ कार्रवाई उसने अभी तक कोई करके नहीं दिखाई है, जिससे कि भारत में एक भरोसा हो कि आपका जो स्टेप है आतंकवाद के खिलाफ वो अब जारी रहेगा, इरिवर्सिबल होगा, और उसको आप भारत को टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है, और ये जब तक सच पाकिस्तान पूरी नहीं करता तब तक मैं संबंधों में कोई सुधार नहीं देखता, और ये संबंध जो है इसी तरीके से एक डेडलॉक की सिचुएशन बनी रहेगी, बातचीत की प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ेगी। और दूसरा, अगर पाकिस्तान को भारत के साथ संबंधों को सुधारना है तो भारत को के संदर्भ में उसको और कुछ कदम उठाने होंगे। विश्वास बहाली के लिए जो भारत का जो आंतरिक मामला है
कश्मीर का आए दिन वो जो राग लमते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो, चाहे वो एससीओ की बैठक हो, कश्मीर का जो मुद्दा है जो कि भारत का नितांत आंतरिक मामला है, उसके ऊपर जिस तरीके के लगातार उसको वो रेकअप करने की कोशिश करते हैं, उससे भी पाकिस्तान को बाहर जाना होगा। और जाहिर है कि पाकिस्तान को अनेक ऐसे कदम उठा के दिखाने होंगे कि जिससे कि एक भारत को भरोसा हो कि ये जो राष्ट्र है अब वो खंजर पीठ में हाथ में लेकर के नहीं आएगा। बातचीत करने से भारत कभी पीछे नहीं हटता। देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी उम्मीद के साथ लाहौर की बस यात्रा उन्होंने की थी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कारगिल जैसी इतनी बड़ी साजिश वहां के हुक्मरानों ने रच डाली। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सोचा कि उनको एक मौका दिया जाए और वो नवाज शरीफ के घर चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक हफ्ते के अंदर ही पठानकोट के एयरबेस पे बड़ा हमला होता है। तो ये जो पाकिस्तान के साथ की जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, पाकिस्तान के फेस वैल्यू पर ये नया भारत विश्वास नहीं करता है। और ये जो वार्ता अगर वो कभी शुरू होगी तो ये तभी हो सकती है कि जब एक एविडेंस बेस्ड एक्शन पाकिस्तान जब तक लेकर नहीं दिखाएगा तब तक ये नया भारत बातचीत नहीं करेगा। देखिए ये एक बदला हुआ भारत है, नया भारत है, नए अप्रोच के साथ कार्य करता है। आतंकवाद के प्रति आज हमारी जो नीति है वो उसी तरीके की है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जैसे कि इजराइल की है, जैसे कि यूरोपीय राष्ट्रों की है। हाँ। कि जो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हम चलते हैं। और दूसरा यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के संदर्भ में हमारी नीति ये भी है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। जो आतंकवादी वांछित है भारत में उसको भारत परस्यू करेगा, उसके लिए चाहे कितना भी समय लगे, और पाकिस्तान को ऐसे आतंकियों को भारत को हवाले करना होगा, और ये भी एक सच है जिसको कि पाकिस्तान को करके दिखाना होगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक सच है, यहाँ पर इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा। मैं विनोद जी आपका रुख कर लेती हूँ। विनोद जी, क्या वाकई पाकिस्तान इस दलदल से निकलना भी नहीं चाहता? हालांकि इसको झेल भी रहा है, इसका दंश झेल भी रहा है, लेकिन फिर भी आतंकवादी कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाक्रमों से निकलना नहीं चाहता, उस सर्कमस्टेंसेस से निकलना नहीं चाहता, ये भी एक सच है क्या? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आपको याद हो परवेज मुशर्रफ साहब का एक वीडियो है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और वैसे भी काफी वायरल हुआ था, क्योंकि वहाँ जो पाकिस्तानी सेना है वो वहाँ की जो सियासत है या जो वहाँ की हुकूमत है या जो वहाँ की पावर सेंटर है उसका एक अहम हिस्सा है या ट्रका का एक हिस्सा है, और वो नहीं चाहते कि साहब जो ISI है या जो पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है वो पाकिस्तानी सेना को बेदखल कर दे। आप देखिए 90% जितनी भी तजारत होती है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। ISI में पॉलिटिकल विंग है उन्होंने, और मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको शुरू किया था। तो वो इस, जैसे कहते हैं ना, दे वॉन्ट द स्पॉट टू बी बॉइलिंग। तो वो जब तक, क्योंकि देखिए कश्मीर मुद्दा जब तक रहेगा तब तक पाकिस्तानी सेना का वहाँ सर्वाइवल है, लेकिन हाँ पाकिस्तानी सेना की जो वहाँ की जो उसकी जो पावर थी, उसकी जो शाइन थी, उसकी जो शीन थी, उस पर काफी बट्टा लगा है। 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ कोर कमांडर के घर को रैनसेक किया गया, जनरल हेडक्वार्टर्स को अटैक किया गया, तो उससे पाकिस्तानी सेना काफी हिली हुई है। अभी आप देखिए जैसे TTK जो है, वो TTP सॉरी, वो जो जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सेना बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अब कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल बैक बर्नर में जाए। वरना कोई ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बायलेटरल इशू है, दोनों देश बैठ के इसको बिल्कुल सुलझा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर ये सुलझ गया तो पाकिस्तानी सेना का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है संजीव जी, इतना बेताब क्यों है पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए? क्या संदेश है, क्या संकेत पूरे विश्व को देना चाहता है? देखिए बेताबी का कारण समझ में आता है कि पाकिस्तान अनेक तरीके की दयनीय स्थितियों से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सुरक्षा संबंधी स्थिति हो, चाहे वो इवन की राजनीतिक स्थिति हो, हर जगह वो पाकिस्तान एक दलदल में दिखाई देता है। हर वर्ष उसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और अपने एक तथाकथित एक दो मित्रों के पास अनुनय विनय करने जाना पड़ता है, उसके आधार पर उसको कुछ कर्ज के पैसे मिल जाते हैं और फिर वो इकॉनमी चल रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीवियर क्राइसिस से वो जूझ रहा है, और वहाँ पे सुरक्षा संबंधी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन भस्मासुरों को बांध में पाल रखा था वो भस्मासुर अब पाकिस्तान को ही जला रहे हैं।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। और आप देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो शासन है और पाकिस्तान की सरकार के साथ जो दुरंड लाइन को लेकर के और बाढ़ लगाने इत्यादि का इन्होंने जो कवायद की उसकी वजह से उनके बीच में तनाव और संघर्ष भी सरकारों के स्तर पर भी बढ़ गया है और TTP तो हमले कर ही रहा है, तो सुरक्षा संबंधी हालात भी बहुत खराब है। BLA BLF जो बलूचिस्तान के विषयों को लेकर के लगातार वो हमले करती है। तो और दूसरा अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो वैसे तो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है दिखावे की जमहूरियत है, लेकिन हाल के समय में इमरान खान ने एक जो बड़ा एक संकल्प और साहस के साथ अपने आप को उन्होंने पेश किया और एक लोकप्रिय नेता के रूप में आज वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उनको जेल में डाल रखा है और जो इलेक्शंस कराए गए वो भी मैनिपुलेटेड थे, रिग्ड थे। और यदि पाकिस्तान में फ्री इलेक्शंस होते तो आज इमरान खान देश के प्रधानमंत्री होते। तो ये जो इमरान राजनीतिक रूप में भी अगर देखें तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उस पर पूरा अपना नियंत्रण कर रखा है। तो ये जो पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं इतने ज्यादा गंभीर हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है कि यदि भारत के साथ संबंध अगर बेहतर हो जाए तो उनको कुछ राहत मिल सकती है और कुछ उनकी जो स्किन है वो सेव हो सकती है, कुछ उनको जनता के रोष से उनको जो है एक थोड़ा कम हो सकता है इत्यादि इस तरीके के मंसूबे के साथ वो काम करते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान बेताबी तो जरूर दिखाता है और ये जो बेताबी है ये जो दोस्ती की जो अमन की आशा इत्यादि के जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं उसके पीछे की जो मंशा है वो पाक साफ नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ये क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। पाकिस्तान में इसी तरीके की बेताबी इसी तरीके की जो दोस्ती की जो चाहत है वो लाहौर बस यात्रा के समय में भी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जो खंजर चलाने का वो जो काम करते हैं एक तरफ हाथ भी बढ़ाना और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से खंजर चला देना, तो ये जो उनका जो कृत्य रहा है उसमें मुझे लगता है आज भी कि उनके वो जो इरादे हैं वो जो मंसूबे हैं वो जो चरित्र है आज भी कायम है। और क्योंकि आप देखिए तो कश्मीर का मुद्दा अभी भी उठाते हैं, आतंकियों को अभी भी भेजने का कार्य कर रहे हैं, टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं, आतंकी उनके यहाँ अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं जो जेलों में होने चाहिए थे। तो जो उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है, इसलिए इस तरीके के जो इमोशंस दिखाए जाते हैं ये जो बेताबी वहाँ की मीडिया दिखा रहा है मैं उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि विश्वास तो पाकिस्तान पे किया ही नहीं जा सकता। लगातार वो इस बात को भी कहता रहा कि देखिए ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, जबकि एबटाबाद में ही अमेरिका ने उसे मार कराया था। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान वक्त वक्त पे झूठ बोलता रहता है और आतंकवाद को किस तरह से पनाह देता है, आतंकियों को किस तरह से पनाह देता है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन विनोद जी एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर अब ये जो कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया, ये जो मीटिंग है, इसके पीछे क्या पूरी रणनीति चाइना की भी हो सकती है, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखता है, तो किस तरह की रणनीति आप देख रहे हैं और कितना फायदा इससे चाइना को होगा या पाकिस्तान को होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी अपना जो इंटरजेक्शन था उसमें जिक्र किया था कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, क्योंकि चीन देखिए चीन अगर कोई भारत को एंगेज करके रखना चाहता है तो वो एक बहुत बड़ा जरिया मानता है कि पाकिस्तान हो सकता है। आप देखिए जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चीन ने भारत को घेर रखा है और भारत को एक राइवल के रूप में देखता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो एशिया की है और उसमें यकीनन चाइना एक ओवरवेलमिंग पावर है, लेकिन वो किसी भी, क्योंकि जब तक वो सुपर पावर नहीं बनता तब तक वो किसी भी ऐसी ताकत से उलझना नहीं चाहेगा। आपने देखा होगा बीच में ताइवान के मुद्दे को लेके भी पाकिस्तान चीन ने एक बैक स्टेप लिया और नैन्सी पेलोसी का जब विजिट हुआ था अगस्त 2022 में तो चीन कुछ नहीं कर पाया, केवल वो रिटोरिक ही करता रहा। तो वो चाहे थे वो पाकिस्तान को बतौर इंस्ट्रूमेंट बतौर साउंड बोर्ड इस्तेमाल करेगा और ये दहशतगर्दों की जितनी भी फंडिंग है वो करता रहेगा। आप देखिए जो मंशेरा में जो तंजीम बिल्कुल मर गई थी उसको भी उसने रिवाइव कर दिया है
और अब ये देखिए जिस तरह की सरकार बांग्लादेश में आती जा रही है तो भारत के लिए एक नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। उधर आप ये देखिए नेपाल के स्वर बदले हुए हैं, श्रीलंका में प्रो कम्युनिस्ट सरकार है, मुइज़ू साहब का थोड़ा सा मिजाज ढीला हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और पाकिस्तान वही करेगा जो चीन चाहेगा, और चीन ये चाहेगा कि भारत एंगेज रहे, भारत की जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट है वो इसी तरह से बिल्कुल डिप्लॉयड और एंगेज रहे। ठीक है संजीव जी, अब आगे भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए इस पूरे मसले पर, और अभी तक जो रणनीति उसे भी कैसे देखते हैं आप संक्षिप्त में बताइएगा सर। देखिए भारत की का अप्रोच पाकिस्तान को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि हम आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। ये जो नया भारत है, बदला हुआ भारत है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पर चलने वाला भारत है। कभी एक भारत हुआ करता था हमारे पुराने जो जो सरकारें थी कि हमले भी होते थे और बातचीत भी चलती थी। 26/11 जैसा इतना बड़ा हमला होने के बाद भी कोई कार्यवाही तत्कालीन सरकार ने नहीं की थी, लेकिन आज का ये का जो अप्रोच है बिल्कुल अलग है। और ऐसे में जो हमारी जो पाकिस्तान के प्रति सख्त नीति है और अनकम्प्रोमाइजिंग जो नीति है, आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जारी रहेगी। और मैं ये अवश्य कहूंगा, पाकिस्तान यदि आतंकवाद के विरुद्ध इविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाता है, यदि वो इरिवर्सिबल वेरीफाइबल क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाता है जो भारत की शर्त है, तो आप निस्संदेह मान लीजिए कि भारत का जवाब भी सकारात्मक होगा। मैं इतना ही कहूंगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।